Hello my curious students, welcome back to our grammar classes. In today's class we will talk about what is absolute phrase. So as you can see here, that absolute phrase is made up of two words, absolute and phrase. Now first of all we'll discuss about what is the meaning of phrase. Phrase ka matlab kya hota hai? So generally we know that phrase is a group of words that has incomplete meaning. फ्रेज का इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है. लेकिन चूंकि आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में, सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ मॉडिफायर. इट मॉडिफाइज. नाउ इट कैन मॉडिफाइज द होल सेंटेंस. ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, ना कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो मेन क्लॉज को भी मॉडिफाई करता है. आप देख सकते हो सेंटेंस में द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट. यहाँ पर मेन क्लॉज जो है वो है आई वेंट आउट. तो ये जो आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है द वेदर बीइंग फाइन, जो कि एक एब्सोल्यूट फ्रेज है, वो मॉडिफाई कर रहा है आई वेंट आउट को, जो कि एक मेन क्लॉज है. तो ये मॉडिफायर का भी काम करता है, ठीक है. और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो नाउन या प्रोनाउन और पार्टिसिपल से मिलकर बनता है. इट इज़ मेड अप ऑफ नाउन और प्रोनाउन प्लस मॉडिफायर लाइक पार्टिसिपल. तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हो द वेदर बीइंग फाइन, जिसमें वेदर जो है वो नाउन है और बीइंग फाइन जो है वो पार्टिसिपल है, ठीक है. तो ये जो आपका पूरा जो एक फ्रेज हो गया इसे हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं. दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर सेल. तो यहाँ पे द सी बीइंग स्मूथ, सी जो है यहाँ पे जो आपका सी है वो एक नाउन है और बीइंग स्मूथ जो है वो पार्टिसिपल का काम कर रहा है. सो एब्सोल्यूट फ्रेज में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि नाउन और प्रोनाउन होता है और उसके साथ एक पार्टिसिपल भी होता है. उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा याद रखेंगे, जो बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं वो कॉमा देना भूल जाते हैं. एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद अगर आप कॉमा भूल जाते हो तो जनरली वो इनकरेक्ट माना जाता है. तो कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ पंक्चुएशन. सो सेट अ पार्ट इन अ सेंटेंस विद अ कॉमा. सो जनरली एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद हम कॉमा ज़रूर लिखते हैं, ठीक है. आपको दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो कि ये है कि एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद जनरली एक मेन क्लॉज होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि इस एब्सोल्यूट फ्रेज को भी हम एक क्लॉज के रूप में हम बदल सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो वेदर बीइंग फाइन है ये फ्रेज है लेकिन इसे क्लॉज में भी बदला जा सकता है.